गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू इन आवर टूडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का है, नाम है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जो सिलेंडर जो होता है उसकी रफली शेप हमारे पास ऐसे कुछ अज्यूम होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक रफली शेप है सिलेंडर की। यहाँ पे बेस रेडियस जो होता है उसको हम यहाँ पे आर अज्यूम करते हैं। इसकी जो हाइट होती है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? एच अज्यूम करते हैं, जो भी हमें सेंटीमीटर में गिवन होगा, जो भी हमें उसकी यूनिट्स गिवन होगी। सो आज हम इसका डिस्कस करेंगे, सी एस ए एंड टी एस ए। सो फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करते हैं कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2π की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास वैल्यू होती है 22/7। आर आपका होता है रेडियस ऑफ बेस एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। सो दिस फॉर्मूला इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका सेकेंड नेम होता है स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट्स TSE, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πR×R+H। देखो स्टूडेंट्स, CSE जो है वो किसी भी फिगर का निकलता है जब वो फिगर का टॉप और उसका बॉटम जब क्या हो, हमारे पास गिवन ना हो, वो खोखला हो, तब आपका CSA निकलता है। और अगर फिगर बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज है उसका हम फाइंड आउट करते हैं TSA। ठीक है, सो ये आपके पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं, CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज TSA एंड CSA। इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। हम एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस वो हमें गिवन स्टूडेंट्स 4.2 सेंटीमीटर है। और हमारे पास में हाइट जो है वो हमें गिवन दे रखी है, हाइट हमारे पास अवेलेबल है 12 सेंटीमीटर। ओके, हमें पहले इसका सी एस ए फाइंड आउट करना है, देन सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 2πRh। सो पुट अप करो, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, एच हमारे पास में 4.2 है, और सॉरी आर हमारे पास 4.2 है, एच हमारे पास 12 है। इसको आप सोल्व आउट करेंगे, सो 7 1 जा एंड 4.2 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 0.6। सो 44 × 0.6 × 12। स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई का आंसर आता है 316.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, ये मल्टीप्लाई आप इटसेल्फ कर सके, आपने चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे पास है सी एस ए सिलेंडर। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का पहला पार्ट हमने किया है सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ओके, समझ में आपको आया होगा स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं हमें, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2πR×R+H। ओके, पुट अप करो स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2×22/7×R। हमारे पास कितना है 4.2 × R+H, सो 4.2 + 12। फ्रेंड्स, 2 × वही दोबारा है, 4.2 को अगर डिवाइड 7 से, वी गेट 2×22/7×0.6। 4.2 को आप 12 से ऐड करेंगे, सो वी गेट 12×16.2। ओके, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को आप मल्टीप्लाई की स्टूडेंट्स, तो देखो आपके पास आंसर क्या आता है। तो इसकी हमारे पास मल्टीप्लाई आती है स्टूडेंट्स 427
427.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है सिलेंडर का टी एस ए। सिंपली मल्टीप्लाई करनी है आपने, कोई आपका हार्डवर्क नहीं है। ओके, स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं। गिवन है कि सी एस ए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें रेडियस नहीं पता है, सो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल में आर सेंटीमीटर। हाइट जो है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देन सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सी एस सिलेंडर होता है 2πr पुट अप करो आप 2 into π into तो इसको पुट अप हम लास्ट में कर लेंगे, पुट अप आप रहने दीजिए। ये हमारे पास आया है सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर। ओके, अब ये हमें स्टूडेंट सी एस ए सिलेंडर हमें गिवन दे रखा है कि वो हमारे पास 88 है, तो आप लिखें बट सी एस ए ऑफ सिलेंडर वी हैव 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 2πrh इक्वल में 88। ठीक है, हमें यहाँ पे r फाइंड आउट करना है, सो 88 अपॉन में 2πh को आपने राइट साइड चेंज कर लेना है, पुट अप करो आप 88 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई h हमारे पास कितना है 14 है। इनको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे, 7 2 वी गेट 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। ओके, कितना स्टूडेंट्स देखो सब आप चेक करके देखिए, कट कव करें 22 2 44 44 2 88, सो वी गेट 88 अपॉन 88 दैट इज इक्वल में 1। हमारे पास जिसका आंसर आता है 88 अपॉन 1 क्या होता है 1 सेंटीमीटर, बट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ हमारे पास आर की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर आई है, सो डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 2 टाइम होता है किसका रेडियस का, सो 2 इंटू में 1 इक्वल में 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर का आया है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 टाइम ऑफ रेडियस। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 हु स्टेटमेंट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर इज हाफ इट्स डायमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सी एस ए एंड टी एस ए ऑफ सिलेंडर। ओके, हमें यहाँ पे हाइट जो है ना वो डायमीटर की हाफ गिवन है, सो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर गिवन है हमें 4.2 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है स्टूडेंट्स हमें डायमीटर की हाफ, और डायमीटर का हाफ क्या होता है स्टूडेंट बताइए, रेडियस होता है नहीं होता, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज रेडियस इक्वल किसके वो 4.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल यूजुअल में है, सी एस सी ऑफ सिलेंडर वी हैव 2πr, पुट अप करो स्टूडेंट्स 2πrh 7 से कट अप करें 0.6 2 into 4 22 वी गेट 44 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4.2, सो व्हाट वी गेट इसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, इसका आंसर आता है 110.888 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट है सी एस ए फाइंड आउट करने का। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो हमारे पास है टी एस ए, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, वो
वो क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। सॉल्व आउट करें स्टूडेंट्स इसको आप, सो 2 इंटू में पाई इंटू में एच, 2 पाई आर सॉरी आर, 4.2 प्लस 4.2, इसको सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल आउट किया आपने 0.6, तो वी गेट 2 इंटू में 22 मल्टीप्लाई 0.6 इंटू में 4.2 में 4.2 ऐड करें वी गेट 8.4। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन सभी के आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो इसका आंसर हमारे पास आता है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सिलेंडर का TSA जिसकी हाइट गिवन है इक्वल टू दी हाफ ऑफ इट्स डायमीटर।